हमारी ज़िंदगी में ऐसा है, कुछ काम तो करना पड़ेगा। कुछ काम हम हमारे खुशी से करते हैं, कुछ काम करते हैं हमारे खुशी नहीं है लेकिन पैसे के लिए करते हैं, ज़िंदगी के लिए करते हैं। कुछ काम हमें करना नहीं लेकिन प्रेशर के लिए करते हैं। तीन तरह के काम हैं। हमारे खुशी से काम करते हैं, कुछ काम ज़िंदगी जीने के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। कुछ काम हमें करना पड़ता है जिसमें हमारा मन नहीं है लेकिन करना तो पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जिंदगी जिंदगी के लिए जो कर रहे हैं वो इफेक्ट हो जाएगा। बॉस बोलता है ये भी करो, है ना, नहीं करने से, नहीं करने इनकार करने से वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो नंबर वन, नंबर टू इफेक्ट हो जाएगा। सो प्रश्न ये है, अभी हमारा काम तीनों समय में कैसे करें, है ना, हमारा मन लगा के करें। प्रश्न है, ठीक है, अभी आपको ये समझना है कि हम जो भी करते हैं दुनिया में, जो भी काम करते हैं, हमारे अंदर ये होता है मेरा, मेरे लिए इसमें क्या है, क्या फ़ायदा है, मेरा बेनिफिट क्या है, ये तो प्रश्न रहता ही। जब आप काम करो, बच्चों लोगों को पढ़ाओ, सैलरी ले, मेरा बेनिफिट क्या है, ये आपको मन में रहता है। ऐसा रहता नहीं, जो आपको बेनिफिट नहीं है उसमें मन नहीं लगता है, समझो। अब प्रश्न ये है, जो भी काम करो उसमें बेनिफिट है क्या? वो बेनिफिट क्या है आपको पता हो गया तो आप जो भी काम करें मन लगा के कर दें, ठीक है। आपका प्रश्न उत्तर है, कई काम में मेरा दिल नहीं लग रहा है, उसको मैं दिल लगा के कैसे काम करूं? आपका दिल बोल रहा है इसमें तो आपको कुछ फायदा नहीं है, बस इतना ही है ना। सो वो दिल को, मन को क्लैरिटी लाना है, इस काम करने से भी मुझे फायदा है। ये एक तो प्रॉब्लम है, वो काम करने से भय है, आपके बॉस ने बोला ये काम करो, आपको दिल नहीं लगा है, लेकिन नहीं करने से वो आपका रेगुलर रोजी रोटी का प्रॉब्लम आता है, इससे भय से काम करते हैं। भय से काम करते हैं वो नहीं है, प्रेम से काम करना कैसे, ये प्रश्न है, समझ गए? प्रश्न ठीक है, किसी काम पे प्रेम कैसे आता है? सो काम है एक हमारा रोजी रोटी के लिए, काम है एक हमारा स्किल एक्सप्रेस करने के लिए, काम है हमारा जिंदगी जीने के लिए। लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बोलते हैं, काम है हमारा व्यक्तित्व विकास के लिए, अंदर का व्यक्तित्व को विकास करने के लिए, हमारा आत्म विकास करने के लिए। जो भी हम काम करते हैं फाइनली हमारा व्यक्तित्व विकास होता है अंदर से, आत्म विकास। सो आत्म विकास होने के लिए एक तरीका है, ये कैसे होगा मैं समझूं। तीन लोग एक मंदिर के सामने पत्थर कट रहे थे, एक मंदिर है, 12 बजे, खूब धूप था, एक आदमी इतना तंग आ गया है वो कट रहा है, दूसरे आदमी तो आराम से कट रहा है, तीसरे आदमी तो बहुत खुशी से कट रहा है, एक ही काम कर रहे हैं तीन लोग। पहले आदमी से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? वो बोला, दिखाई नहीं देता, पत्थर काट रहा हूं मेरे रोजी रोटी के लिए। उसका मुंह इतना तंग हो गया था। दूसरे आदमी से पूछा, वो तो थोड़ा एंथुसियास्टिक था, थोड़ा आराम से काम कर रहा था, तुम क्या कर रहे हो भाई? मैं एक पत्थर बना रहा हूं, पत्थर काट रहा हूं वो बिल्डिंग के लिए, उसके उसमें थोड़ा एनर्जी ज्यादा है। और तीसरे आदमी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई मैं ये पत्थर काट रहा हूँ मंदिर के लिए, भगवान के मंदिर के लिए, यहाँ भगवान का प्रतिष्ठापन होगा, हजारों लोग आएंगे, कितना पुण्य का काम कर रहा हूँ मैं। काम एक है,
लेकिन मोटिवेशन अलग है। काम एक है, पत्थर काटना आसान का काम नहीं है कोई भी धूप में। मोटिवेशन अलग है, जब मोटिवेशन अलग है काम करने का तरीका और रिजल्ट अलग है, ठीक है। सो आपको करेक्शन कहाँ करना पड़ेगा, काम में नहीं मोटिवेशन में। समझ गए, काम में मोटिवेशन में करेक्शन करना पड़ेगा। दैट टी मेकिंग वीडियो इज इट पॉसिबल, नो। आपको एक थोड़ा वीडियो दिखाना चाहता था लेकिन यहाँ इंटरनेट ठीक नहीं है। ओके, हमारा कोई काम करना मोटिवेशन खाने पीने का वो सब छोड़ के, हमारा मन में शांति लाने के, मन में आत्मा के शांति लेने के लिए वो पर्पस है, वो रियल मोटिवेशन है। अंदर जो भी करो मैं, मेरा मन शांत होना चाहिए। मेरा मन में जब मन शांत होता है तो हम भगवान से प्यारे होते हैं। ये कैसे करेंगे, मुझे झाड़ू मारने का काम दे दिया ऑफिस में, मैं तो पीएचडी हूं, झाड़ू मारने का काम दिया, इस काम में मेरा मन दिल कैसे लगेगा। लेकिन मैं ये सोचा कि ये झाड़ू मारने का काम भगवान ने मुझे आज दिया है, क्यों दिया है, झाड़ू मारने से मेरा पेशेंस बढ़ेगा, इवन झाड़ू मारने का काम मैं अच्छी तरह करने से मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। झाड़ू मारने के काम में मेरा पेशेंस कॉन्सेंट्रेशन बढ़े और मेरा मन शांत रहे, इसको परीक्षा करने के लिए भगवान ने मुझे आज काम दिया है। ये बा काम मेरे बॉस के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ, भगवान को प्यारे होने के लिए कर रहा हूँ। भगवान को प्यारे होने के लिए काम से नहीं है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, आप छोटा काम भी कैसे करते हैं, आपका मन कैसे रहता है, मन कितना शांत रहता है, इससे आप भगवान को प्राप्त करते हैं। ये झाड़ू मारने का काम भी ना मैं जब करता हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान नहीं आकर नहीं काम नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान ले रहते हैं मन का, मेरा मन का परिस्थिति शांतता कॉन्सेंट्रेशन फोकस मेरा इंटरेस्ट ये देखता है। जो जो आप काम करते हैं जब आप भगवान के प्रीति के लिए करना शुरू करते हैं, भगवान का प्रीति है आपका मन का शांतता, आपका मन का एकाग्रता, आपका मन का प्यार भरी दृष्टि। सो जब आप अपने काम को किसी काम को ध्यान के रूप में, यही भगवान का अर्पण है, एक काम मैं कर रहा हूँ भगवान का अर्पण करने के लिए, इस काम करने से मेरा मन का शांति फोकस कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, तो आपका मन उस काम में लगता है। समझ गए, आपको कभी उसको हायर मोटिवेशन अटैच करना है, किसी काम को मोटिवेशन अटैच करना आपका काम है, मोटिवेशन कोई नहीं देगा आपको। आपको सिर्फ दो मोटिवेशन अटैच कर सकते हैं, एक मोटिवेशन है मेरा इस छोटा काम से कितने लोगों को, काम छोटा है लेकिन कितने लोगों को मदद होती है, ये सोशल मोटिवेशन। मेरा इस छोटा काम से मेरा पेशेंस, मेरा एकाग्रता, मेरा शांति कैसे बढ़ती है, ये मेरा शांति पेशेंस एकाग्रता कैसे बढ़ती है, उससे मैं कैसे भगवान को प्रिय हो जाता हूँ। जो जो मैं काम कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, मेरे बॉस के लिए नहीं, ये दो मोटिवेशन अटैच कर सकते हैं। इसे मैंने भी किया, मैं जो बोल रहा हूँ मैं थियरी नहीं बोल रहा हूँ। क्या हुआ, मैं पहले काम के लिए ज्वाइन हो गया, काम के लिए जब ज्वाइन हुआ मैं एमटेक किया था आईआईटी बॉम्बे में, मेरे फ्रेशर्स हैं जो फ्रेशर्स हैं उनको एक काम में डाल दिया, जो सीनियर लोग नहीं करते हैं उसको छोटे लोगों को डाल दें, जूनियर को जॉब डाल दें, ये डाल दिया। काम क्या है, काम एक टेलीकॉम इक्विपमेंट है, उसका डिज़ाइनिंग भी नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, डिज़ाइन काम देना है नहीं दिया है उन्होंने, ये इक्विपमेंट यहाँ से और एक फैक्ट्री लेना है और फैक्ट्री लेकर वहाँ एक टेस्ट करना है और बाद में लाना है, वो कूली का लेबर का काम है लिफ्ट करना, इतना बड़ा इक्विपमेंट है वो, लेबर नहीं है, वहाँ लेना है, वहाँ टेस्ट करना है, टेस्ट करने के लिए मदद नहीं है, वहाँ इतना गंदगी पड़ी है, डस्ट पड़ी है, उसको क्लीन करना है, ये रोज़ का काम है,
एक दिन का नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कूली और कोई का सपोर्ट नहीं है। मैं एमटेक इंजीनियर हूँ, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, डिज़ाइन का काम कर रहा हूँ, ये क्या अच्छा थर्ड रेट काम कर रहा हूँ। हाँ लेकिन मेरा भावना ये थी, मैंने मुझे समझ में आ गया मेरा मोटिवेशन मुझे ही रखना है और किसी को नहीं। मैंने सोचा देखिए एक टेलीकॉम इक्विपमेंट है, इस टेलीकॉम इक्विपमेंट काम तो छोटा है लेकिन मैं मेरा काम ये सक्सेस हो गया तो इस टेलीकॉम इक्विपमेंट को सारे देश में कितने लोग उपयोग करते हैं, बहुत लोगों को उपयोग करते हैं। ये नहीं कि मैं डिज़ाइन करने से ही उनको उपयोग मदद कर सकता हूँ, इसको टेस्ट करने में आसान करने से मैं मदद कर सकता हूँ। और जब झाड़ू मारा मेरे मन में यही था, अरे मेरे देशवासी, उस समय देश में हम टेलीकॉम स्विचिंग टेक्नोलॉजी नहीं थे, मेरे देश में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी नहीं है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी हम फॉरेन कंट्री से खरीद लें, तब तो हम यहाँ से खरीदते थे, फ्रांस से ईटनबी टेक्नोलॉजी खरीदते थे। उस समय इंडियन टेलीफोन एक्सचेंज नहीं था, आपको अभी पता होगा वो एसटीडी करके डायल करके वेट करना है। एक टेलीफोन लाइन को $1,000 चार्ज करते थे, एक टेलीफोन लाइन को कितना एक्सपेंसिव। और उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज हमें कंट्री में बेचा कंडीशन के मिरेज 2000 खरीदना है आपको, और थर्ड रेट टेक्नोलॉजी हमको भेज दिया इंडिया को। मुझे पता है हमारे देश फॉरेन कंट्री जितना लूट रहे हैं, हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी होना चाहिए। मेरे इंपॉर्टेंट काम नहीं दिया लेकिन छोटा काम मैं दे दिया, मेरे देश के लिए सेवा कर रहा हूँ, इस भाव से किया। 6 महीने मैंने काम किया चपरासी का, लेकिन मेरे में मन में दुख नहीं है, इतना अच्छा किया। मेरे मन में ये देश सेवा है, ये भगवान का सेवा है, बस इतना ही। झाड़ू मारना, उसको लिफ्ट करना, वहाँ रखना। और मेरे फ्रेंड इतना दुखित होते थे, ये क्या काम है, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे दुख नहीं है, मुझे संतोष था। ये क्या हुआ, मेरा इतना काम इतना अच्छा करने लगा, मेरे बॉस देख रहे थे, वो उनको खुश हो गए, वो उन्होंने मुझे प्रमोशन देने लगा। 8 साल में मैं कंप्लीट टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गया, कोई उतना ऊपर नहीं चला। मैं जूनियर मोस्ट हूँ लेकिन सब भी सीनियर से ऊपर चढ़ गया, क्योंकि जो भी काम करता हूँ, ये छोटा काम बड़ा काम नहीं, मेरा काम एक ही काम है, काम नहीं है, ये मेरे देशवासी के कर रहा हूँ और भगवान के लिए कर रहा हूँ, बस इतना ही। इतने भाव से छोटा छोटा काम बरता है पूजा। सो इससे क्या हुआ, फायदा हो बता हूँ। ओके, मैं जो काम किया वो भगवान को प्रीत हो गया। मैं ज्ञान बोल रहा हूँ, मैं कहीं से सीखा नहीं, वो अंदर से प्रज्ञा जागृत हो गई, अंदर से भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी की वजह से बिना पढ़ के बिना सीख के मुझे अंदर से इतना ज्ञान आने लगा, लोग सुनने लगे। आपका काम जब भगवान को अर्पित होता है वो कर्मयोग बनता है, आपका काम जब लोगों को मदद करने की भावना से करते हैं, छोटा काम छोटा नहीं रहता है, वो भगवान का काम होता है। सो मोटिवेशन आपको लगाना है, दो ही मोटिवेशन होते हैं, एक काम भगवान के लिए कर रहा हूँ या एक काम लोगों के लिए कर रहा हूँ। बॉस के लिए काम कर रहा हूँ कभी मत लाना, आप इसको कर दिए शुद्ध भाव से कर दीजिए, इसको कर्मयोग बोलते हैं। जब आप कर्मयोग करते हैं भगवान को प्रिय होते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। उसके लिए एक महाभारत में एक छोटा कहानी है, उसका एक सन्यासी था, उसका नाम था कौशिक ऋषि। वो सन्यासी क्या करता था, फॉरेस्ट में वन में जाकर तपस्या कर रहा था। 12 साल तपस्या किया उसने, 12 साल तपस्या करने से उसको कई सिद्धियां प्राप्त हुई, कई शक्तियां। एक बार पेड़ के ऊपर एक क्रो को क्या बोलते हैं, कौवा उसके ऊपर सिर के ऊपर ये डाल दिया, क्या कहें, उसका वेस्ट डाल दिया, इसको गुस्सा आ गया, ऐसा देखा वो कौवा जल गए, उसको खुशी हो गई, मेरे इतना शक्ति आ गई। वो क्या करा, वो बाद में खाने भिक्षा मांगने के लिए गांव गया। गांव में एक घर के सामने रखकर बहुत ही भिक्षा दे दो मुझे बोला। वो घर का लेडी है ना, वो बाहर आने के लिए टाइम लिया,
वो कुछ काम कर रही थी, टाइम लगा, बाहर आके एक रोटी दिया, इसको गुस्सा आ गया, इतने महात्मा को इतना देर वेट करने के लिए, बोल रहे ऐसा कर दे। वो लेडी हंसने लगी, मुझे देखकर ऐसा देख रहे हैं, मैं जलने के लिए मैं कौवा नहीं हूँ। इसको आश्चर्य हो गया, अरे इस लेडी को, इस सामान्य गृहिणी को ये क्या है। और उसे पूछने लगा, जब उसने पूछ लिया तो इसका ज्ञान देकर उसको, उसने 12 साल तपस्या के लिए इतना ज्ञान नहीं है, उस सामान्य गृहिणी को घर के काम अरे गृहिणी को ये है, ये कैसे। वो बोला ये कैसे हो गया, मैं 12 साल तपस्या के लेकिन मुझे ये नहीं मुझे ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, आपको कैसे प्राप्त हुआ। वो बोली, हंसने लगी, देखिए आप तो सन्यासी हैं, आप वन जाकर तपस्या कर सकते हैं, हम तो गृहिणी हैं, शादी हुआ है, मेरा बच्चा है, घर का काम करना है, बर्तन धोना है, घर में झाड़ू मारना है, लेकिन जो भी मैं काम करता हूँ वो भगवान के प्रीति के लिए करता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ वो भगवान का अर्पण करने के लिए करता हूँ। जब भी मैं बच्चे को खाना देता हूँ, मैं इस भाव से देता हूँ कि भगवान बच्चों को नहीं दे रहा हूँ, बच्चे के अंदर जो परमात्मा है उसको खाना दे रहा हूँ। जो भी मैं पति का सेवा करते हूँ तब मैं इस भाव से करते हूँ, मेरे पति में भगवान है, उस भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। घर में जो काम करता हूँ इस भाव से करता हूँ, मेरा घर है भगवान का मंदिर, इस भाव से करता हूँ। इससे मेरा मन पवित्र हो गया, इससे मेरे ज्ञान प्राप्त हो गई। वही काम, जो काम आप जब भगवान से जुड़ते हैं वही ध्यान बनता है, जो काम आप छोटा काम अब भगवान से जुड़ना सीखिए तो ध्यान बनता है। जब ध्यान बनता है मन पवित्र होता है, जब मन पवित्र होता है भगवान अंदर आकर बैठता है। इसी तो उसने उस सन्यासी कौशिक ऋषि इसके पांव पड़े, आप मेरा गुरु है मुझे ज्ञान दीजिए। वो बोली, देखिए मैं एक सामान्य गृहिणी हूँ, आप ज्ञान पाने के लिए उस नगर में एक व्यक्ति है उसके पास जाइए, उसका नाम धर्म व्याद, उसके पास जाइए। सो यह वो चला गया, वहाँ गया, वहाँ एक शॉप है, वो शॉप क्या है, मांस बेचने का, मांस कट रहा है, बेच रहा है। इसने मांस कभी नहीं खाया जिंदगी में, मांस पता है ना, मांस में नॉन वेज, मांस कभी नहीं खाया। उसको देखकर वो बहुत वॉमिटिंग कर दिया। शाम हो गई, वो दुकान बंद किया उसने और नहाकर बैठा तो लोग आने लगे, लोग आने का आकर बैठे सामने, बैठे उसके 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 पास उसके सामने और प्रश्न पूछने लगे। वो धर्म ज्ञान उसके मुंह से आ रहा है इतना सुंदर, इसको आश्चर्यचकित हुआ, ये क्या है, एक मांस बेचने वाला एक व्यक्ति इतना हो रहा है। तो उससे पूछे क्या हुआ, धर्मवाद ने बोला, भाई साहब मेरा जिंदगी ऐसा है, मेरा पीढ़िया से मेरे घर में मांस बेचने का काम है, मेरे कोई उपाय नहीं जिंदगी का जीने का, मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन ये भाव से कर रहा हूँ, भगवान मुझे आपने एक काम दिया है, इस जो मैं कर रहा हूँ ये आपको अर्पण करता हूँ, जो आप करते हैं मेरे द्वारा कर रहे हैं सब भगवान को अर्पित, ये भाव से कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा मन परिशुद्ध हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ। सो काम में श्रद्धा आने के लिए एक ही उपाय है, भगवान से जोड़े और समाज से जुड़े। एक ना एक को एक उपाय उससे फायदा हुआ, भगवान को प्राप्त प्रिय होगा, एक ना व्यक्ति को फायदा हुआ भगवान को प्रिय होगा, नहीं तो काम इतना गंदा काम है, वो फोकस करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, मन शांति हो गया, वो भी भगवान को प्राप्त होगा। सो मोटिवेशन दो ही है, पैसा मोटिवेशन नहीं है, बॉस मोटिवेशन नहीं है, भगवान और समाज सेवा। तो मिला आपको और बहुत हो गया। नहीं, बहुत अच्छा।
अच्छा, बहुत शानदार।